हाँ दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी से दिसंबर 2022 तक का ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम लोग जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर तक पूरा कम्प्लीट जो भी उस मंथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे उसको हम लोग डिटेल से समझते चलते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, फैक्ट, जानकारी जानने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को करने वाले हैं। इसके अगर आप कम्प्लीट PDF नोट्स, अगर इसका मॉक टेस्ट भी अगर आप लगाना चाहते हैं और साथ ही साथ झारखंड करंट अफेयर्स भी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप डाउनलोड करके, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो वहां से जाके आपको इस कोर्स को 149 रुपीज में ओनली परचेज करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2023 का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं उसे हम लोग करते हैं। पहले प्रश्न के साथ, भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा, ग्लासगो में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह स्मारक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान में जो विभिन्न विविधता का प्रतिनिधित्व करेगा, जो पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ाई में की गई थी, इनका योगदान भारतीय सैनिक भी लड़े थे, तो उसके लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। प्रश्न दो, केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया या कौन थे? तो ये उपयुक्त सभी थे, मीन्स पश्चिम बंगाल के ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे, बिहार के भी ये गवर्नर रह चुके थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो आपको पता है एक व्यक्ति गवर्नर के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इस स्टेट से उस स्टेट में अगर इनका टेन्योर खत्म हो गया तो दूसरे स्टेट में भी इन्हें भेजा जाता है। तो ये गवर्नर साथ ही साथ विधानसभा जो उत्तर प्रदेश का, वहाँ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। प्रश्न तीन, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी लुला डा सिल्वा, ये अभी ब्राज़ील के आपको पता है G20 का जो नेक्स्ट 2024 का होस्टिंग है ये ब्राज़ील को ही मिला है। तो ये आए भी थे, जो हथौड़ा होता है वो G20 में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इन्हें सौंपा गया था, आप लोगों ने देखा होगा, इनका नाम तभी भी बहुत चर्चा में था। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्राज़ील कहाँ स्थित है? भारत, अगर आप इंडिया मतलब वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। और करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल। तो साथ ही साथ आपको कैपिटल और करेंसी भी ध्यान में रखते चलना है। प्रश्न चार, वैश्विक परिवार दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या रखा गया था? फैमिली टुगेदर, बिल्डिंग रिलायंसेंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। प्रश्न पांच, किस राज्य पुलिस ने नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के फेमस IACP 2022 अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य को चुना गया है। तो निजात अभियान एक कार्रवाई व जागरूकता अभियान है जिसमें अवैध नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और नशे के आदि लोगों को पुनर्वास शामिल है। प्रश्न छः, जंगली प्राणी नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए भारत की परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नीलगिरी तहर आपको एक जंगली प्राणी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। प्रश्न सात, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज को किसने शुरू किया है? तो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न आठ, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुझाव लाल थॉन्स, जो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली। इनका मोटो क्या रहता है? जीवन पर्यंत कर्त या कार्य होना चाहिए आई थिंक। प्रश्न नौ, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 77वें कौन थे? तो आदित्य मित्तल, जो मुंबई के रहने वाले थे। प्रश्न दस, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध सुन कार्बन उत्सर्जन करने की योजना की शुरू की है? तो ऑप्शन बी 2030 तक यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। प्रश्न 11, आर के कृष्ण कुमार का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे?
ये उपयुक्त दोनों टाटा समूह के दिग्गज और टाटा सन्स के पूर्व निर्देशक थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पद्मश्री से पुरस्कारित इन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था 2009 को। प्रश्न 12, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये कोलकाता में शुरू की जाएगी। प्रश्न 13, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार किस राज्य सरकार ने शुरू किए? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न 14, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। प्रश्न 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ करेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ आसाम तक। तो ये आपको पता है ये बहुत बड़ा सा एक नाव है जिसे क्रूज बोला जाता है। तो ये चलने भी लगा है क्योंकि ये जनवरी का प्रश्न है। तो यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करेगी और गंगा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर ही गुजरेगी। प्रश्न 16, चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर, जो कि लोक गायिका है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 17, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य भवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये जयपुर राजस्थान के जो संविधान भवन है वहाँ पे राज्य भवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किए हैं। प्रश्न 18, अंबेडकर या लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी शशि थरूर इज द राइट आंसर। प्रश्न 19, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये चाइना बन चुका है जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने की शुरुआत करेगा। प्रश्न 20, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये त्रिवंत्रमपुरम केरल में खोला गया है। तो यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर के लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए है। प्रश्न 21, भारत में G20 की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? ये पुडुचेरी में की गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तो 2023 समाप्त होने वाला है और साथ ही साथ G20 का होस्टिंग भी अब समाप्त हो चुका है, ब्राजील के हाथ में चला गया है। तो भारत की G20 अध्यक्षता लोगों क्या थी? खिलता हुआ कमल था। थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम, और कह सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का समूह, और साथ ही साथ इसमें एक यूरोपीय यूनियन था और अब तो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी इंक्लूड हो चुका है। इस बार भारत के द्वारा किया गया। स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1999। इसका कोई मुख्यालय नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 22, भारत में स्पेसटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के साथ। दोनों स्थानों का उद्देश्य स्पेस भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप्स को मजबूत करना है। स्पेस आप समझ रहे हैं जहाँ जो इसरो का काम ही होता है, स्पेस पे मतलब मिशन वगैरह भेजना, चंद्रयान हो, ये सब जो भी चीज़ आप सुनते हैं। प्रश्न 23, निकोई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन गया? हमारा देश बन चुका है भारत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया? ये हर वर्ष मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे तो इस ये पे ही मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी इंदौर मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 वहाँ पे किया गया था। मुख्य अतिथि किन को रखा गया था? मोहम्मद इरफान अली को, जो गुयाना के राष्ट्रपति थे। प्रश्न 25, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1901 के बाद कौन सा वर्ष पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो ये 2022 सबसे पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है, बी करेक्ट आंसर। तो 2022 के दौरान जमीन की सतह का वार्षिक औसत तापमान लंबी अवधि के औसत से 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि 1981 से 2010 की अवधि का औसत तापमान है। प्रश्न 26, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? राउरकेला उड़ीसा में किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 27, समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? बिहार सरकार के द्वारा किया गया जाति आधारित जनगणना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। प्रश्न 28, टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये नीदरलैंड के टैलोन, इनके द्वारा
पदक जीता गया है। तो पुरुष युगल सैंडर गीले और जोरान विलिजेन बेल्जियम के, आयोजन स्थल कहाँ था, तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। संस्करण कौन सा था, 27वां। प्रश्न 29, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू किया गया था गुजरात में, अहमदाबाद में। तो यह महोत्सव गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की G20 थीम पर आयोजित किया गया था। प्रश्न 31, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो ये 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव किया गया था। थीम क्या रखा गया था, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। ये शुभंकर क्या था, तो चंपी चिक्का हाथी शुभंकर था। प्रश्न अगला प्रश्न, 80वीं गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है, तो ये नाटू नाटू RRR मूवी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाना नाटू नाटू को MM किरावनी द्वारा कंपोज किया गया तथा चंद्र बोस द्वारा लिखा गया था, तो जिसको राहुल स्लीपगुंज और काल भैरवन ने आवाज़ दी थी। अगला प्रश्न, वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है, तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, तो उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया गया, 6.5 रहने का लगाया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में प्रवासी और प्रवास पैटर्न का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सर्वेक्षण में झारखंड राज्य में आने वाले प्रवासियों, राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासियों, प्रवासियों के जीवन की गुणवत्ता, प्रवासियों की मानसिकता को समझने आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। अगला प्रश्न, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पेटू पावेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी क्या है, प्राग, और मुद्रा क्या है, चेक कोरुना यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है, तो क्या रखा गया है, तो अमृत उद्यान रख दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा भी यहाँ पे गया था, तो ऑप्शन बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स कर्मानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। भारत वर्ष 2021 में इसका अध्यक्ष था। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे नए इंक्लूड हुए जो मैं आपको डिटेल्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले भी। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है, तो ये यूक्रेन का शहर है ओडिशा करके, तो उससे दिया गया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे काफ़ी रशिया और यूक्रेन के बीच जो भी युद्ध के कारण हो रहा था, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट में से डाला गया है इस शहर को। काफ़ी बमबारी जो भी कुछ हुए हैं, घटनाएं देखने को मिली है, तो इस दर्जे का उद्देश्य ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद करना है, जो रूस के आक्रमण के बाद से खतरे में है। तो यूक्रेन में स्थित ओडिशा काला सागर तट पर स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये 74वीं मनाई गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल्लीकुट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया, तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है, तो क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, तो इस दिन संविधान लागू हुआ था जिसके कारण ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है, तो कौन थे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजिप्ट के राष्ट्रपति, जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देद फताह अल सीसी थे। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है, तो क्या रखी गई थी इसका थीम, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये राजस्थान बन गया है। अगला प्रश्न, स्थानीय शहरी निकायों और नगर पालिकाओं के बुनियादी ढांचे में तकनीकी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह बने हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका फुल जो होता है आपको ध्यान में रखना है। पद का गठन कब हुआ था, 1998 में। भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन थे, तो अजीत डोभाल जी थे, अब ये नहीं है वर्तमान में। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 3 के तहत किस फूल को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया? तो कोई एक फूल है जिसे इंक्लूड किया गया संरक्षण के लिए, तो नील कुंजरी फूल है, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी खासियत क्या है मैं बताती हूँ कि ये केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों में हर 12 साल में खिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के विश्व धरोहर स्थल नालंदा महावीर के परिसर के भीतर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये बिहार में किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा भारत में मगध आधुनिक बिहार के प्राचीन साम्राज्य में एक महाविहार एक बड़ा बौद्ध मठ है। तो ये था आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2023 जनवरी 2023 के जो भी उस मंथ के इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहे थे उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग फरवरी से करेंगे, तो इसमें आंसर भी इंक्लूडेड था, ये थोड़ा पीपीटी का मिस्टेक है, बट नो इशू। तो नेक्स्ट से हम लोग फरवरी 2023 का करने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी आते जाएगा। तो ये था जो भी था आपके लिए इम्पॉर्टेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सभी का धन्यवाद।